सब्सक्राइब कीजिए सरबजीत एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं मशीन एम्ब्रॉयडरी में आपको कटवर्क और होल वर्क कैसे करा जाता है ये बताऊंगी। ये एम्ब्रॉयडरी में सिंपल स्टिचिंग मशीन पे कर रही हूँ, जिसकी सेटिंग कैसे करी जाती है ये मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए कटवर्क शुरू करते हैं। कटवर्क शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएँ। जहाँ पर हमने कटवर्क करना है उसको हम पहले रनिंग स्टिच से आउटलाइन कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम साटन स्टिच करेंगे। होल वर्क करने के लिए हम जो डिज़ाइन है उसमें रनिंग स्टिच से आउटलाइन करने के बाद उसका सेंटर लेंगे जो सर्कल बना हुआ, और एक ही सेंटर में हम सारे जो स्टिच है उसी में हम ऐसे बार बार लेंगे।
और जो सेंटर वाला होल है वो अपने आप ही होल वर्क की तरह बन जाएगा। इस तरह से पैटर्न पूरा करने के बाद जो इसकी आउटलाइन हमने बनाई है ये वाली, इसको हम सीजर से काट लेंगे। ये दुपट्टों पे, साड़ियों पे, कहीं भी किनारों पे बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो सकती है। इसको हम फ्रेम से उतार कर इसकी आउटलाइन कटिंग कर लेंगे, एम्ब्रॉयडरी को बचाते हुए बाहर बाहर की तरफ से काटेंगे। इस तरह से कटवर्क जो है वो बन जाएगा। शार्प सीजर से इसके जो एज है वो बहुत ही फाइन कटिंग हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।